स्वास्थ्य रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। पर्व और त्योहार के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह मुंडन के सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से संपन्न हो। और इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हर एक को सुरक्षा, सुरक्षा सबको देंगे, शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए। और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। आज आप देखो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं करेगा, और करेगा तो खामियाजा भी भोग देगा फिर, यह भी तय है। और इसीलिए सुरक्षा के इस गारंटी का परिणाम क्या है, आज निवेश भी हो रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी के अंदर एक सपना था, आज ये हकीकत है। ये 40 लाख करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। ये 1.5 करोड़ नौजवान या तो बेरोजगार रहता या फिर कहीं और जगह पलायन कर गया होता, डिप्रेशन का शिकार होता। लेकिन हमारा प्रतिभाशाली नौजवान अब डिप्रेशन में नहीं जाएगा, प्लान भी नहीं करेगा। अब वो अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ आज उत्तर प्रदेश को और देश को दे रहा है। आज इसी का परिणाम आया है। ODOP विश्वकर्मा श्रम सम्मान और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश 2016-17 में देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और 29-30 तक उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बेटी की सुरक्षा, हर व्यापारी को सम्मान। और उस लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। ये जो कार्यक्रम है यहां पर जो किया जा रहा है, यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है, इसी श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसे कार्यक्रम पहले नहीं होते थे, इसके लिए ऐसा विजन भी नहीं था, क्योंकि जब एजेंडा ही दूसरा है तो ऐसे कार्यक्रम कैसे होंगे। हस्तशिल्पी के बारे में उनको जानकारी नहीं, कारीगरी के बारे में जानकारी नहीं, उनके पास तो एकमात्र मिशन था लूटो और परिवार का पेट भरो, वह केवल अपने परिवार तक सीमित है, उनके लिए इसके सिवाय कुछ भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता है, उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं, उसका अब तो अपना एक सीमित दायरा है, उसी में रह करके वह व्यक्ति हर प्रकार के नैतिक कार्यों को अंजाम, अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है। और यही होता रहा, क्यों उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आया, क्यों उत्तर प्रदेश तो देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें देश का सबसे ज्यादा युवा, जिस प्रदेश में सबसे समृद्ध भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन, वह प्रदेश किसान आत्महत्या करे, युवा पलायन करे।